तो मेरे भाई, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे प्लेयर लोगों ने बोला था कि आपको लॉन्ग बॉल काउंटर में वीडियो चाहिए। बस तो मैं लेके आ चुका हूँ आज आपके लिए लॉन्ग बॉल काउंटर में बेस्ट सब कुछ। आज इस वीडियो में कवर करूंगा आपको, इस वीडियो में सारा के सारा सब कुछ मैं आज इस वीडियो में ऐसे समझाऊंगा कि आपको दूसरे वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि यार आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छा मैनेजर कौन सा होगा, कौन सा प्लेयर आपको चॉइस करना होगा, किधर आप लोग मिस्टेक करते हो, आपको कैसे अटैकिंग करना होगा और आपको कैसे डिफेंडिंग करना होगा, सारा के सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एक लाइक कर देना न्यू हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे फ्यूचर में इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आने वाला है। ठीक है, देखो मेरे भाई, पहले हम लोग ना ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वीडियो में जाते हैं। ठीक है, मैनेजर में आपको कौन सा मैनेजर चॉइस करना है? मैनेजर में सिंपल आपको लॉन्ग बॉल काउंटर मैनेजर चॉइस करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, दो परचेस वाला पैक में, एक फ्री। अगर आप कभी भी लॉन्ग बॉल काउंटर नहीं खेले हो तो श्योरली आपके पास कोई लॉन्ग बॉल काउंटर मैनेजर नहीं होगा, तो आपको फ्री वाला है हिस्ट्री ऑफ एल्बोना को यूज करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 10 हैक नहीं तो अभी जो डिस्चैम आया है उसको अगर आपने परचेस किया है, कांग्रेचुलेशन, डिस्चैम तो आपका सबसे अच्छा मैनेजर है अगर मैं अभी की बात करूं। लेकिन अगर आपके पास 10 हैग है तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो, दोनों बहुत बढ़िया है। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं सेकंड जो हमारा है, प्लेयर चॉइसिंग। देखो मेरे भाई, प्लेयर चॉइसिंग में लॉन्ग बॉल काउंटर एक्चुअली ऐसा है ना कि यहाँ पे आपका क्विक काउंटर जैसे प्लेयर लोग खतरनाक वाला रन नहीं करते, तो आपको मैनुअली भी रन करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर एडवांटेज लेना है कि आपका प्लेयर को ना अच्छा खासा स्पीड होना चाहिए। ठीक है, आप अगर कोई सा भी विंगर खिला रहे हो, कोई सा भी AMF खिला रहे हो, अगर उसके पास 90 से ज्यादा स्पीड है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज गेम की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऑलवेज ट्राई करना कि आप जो सा भी अटैकर यूज कर रहे हो, CF, LWF, RWF, AMF, कोई सा भी अगर अटैकर यूज कर रहे हो तो उसका स्पीड अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, सो अब तीसरा जो पॉइंटिंग मैं बोल रहा हूँ वो है मिस्टेक। भाई 90% प्लेयर लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि यार वो लोग ना ज्यादा से ज्यादा अच्छा अच्छे प्रो प्लेयर का वीडियो देखते हैं और वो लोग जो खेलते हैं वो चिपका देते हैं। देखो मेरे भाई, सिंपल है, अगर आप अच्छे प्रो प्लेयर हो तो आपको अटैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो आपको अटैकिंग में प्रॉब्लम होगा। कभी कभी गेम ना फंस जाता है अंदर, तो आपको ना पासिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा और आपको ओपोनेंट को बॉल दे दोगे, ओपोनेंट आपको खोल देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप दोनों साइड में डिफेंसिव फुलबैक यूज मत करना। ठीक है, अगर आप दोनों साइड में डिफेंसिव फुलबैक यूज करते हो आपका क्या होगा, वो डिफेंसिव फुलबैक ऊपर रन नहीं देगा तो आपको एक्स्ट्रा कोई मैन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो प्लेयर हो गए सब लोग मार्क हो गए तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप एक साइड में डिफेंसिव फुलबैक और एक साइड में अटैकिंग फुलबैक यूज कर लेना। ठीक है, जब भी आपका गेम फंसे, आपको लगे कि यार यहाँ से मैं अटैक नहीं कर रहा, थोड़ा सा होल्ड करो, फिर अपना जो RB और LB जिस साइड आप अटैकिंग फुलबैक यूज कर रहे हो उसको बॉल देके उसको निकालो, उसको एकदम कॉर्नर में जाके गेम को खोलो। ठीक है, ओपोनेंट के डिफेंस को खोलो। जब भी तुमको ओपोनेंट अच्छा खासा ओपोनेंट, जो भी ओपोनेंट हो, अगर ओपोनेंट का डिफेंस खुल गया तो कोई सा भी ओपोनेंट ना आपका अटैक को तोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो जितना हो सके आप ओपोनेंट को वाइट करो, ओपोनेंट के डिफेंस को जितना हो सके खोल दो और ओपोनेंट इजीली हद से ज्यादा बदतर तरीके से गोल खाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप कभी मत करना, एक साइड में अटैकिंग फुलबैक जरूर यूज करना। सो अब बात कर लेते हैं चौथा जो है हमारा अटैकिंग। देखो मेरे भाई, अटैकिंग पहले समझो, QC में अगर आप कोई सही बॉल होल्ड करते हो तो आपका बाजू वालू, सो आपके आजू बाजू में जो भी आपका प्लेयर है वो सामने आएंगे, फिर वो वहाँ से रन बनाएंगे। लेकिन अगर आप LBC में कोई सही बॉल होल्ड करते हो, वो प्लेयर दूर से ही रन बनाएंगे। लाइक यहाँ पे जो विंगर आप देख रहे हो, ये यहाँ पे अगर QC हो तो अंदर से रन करेगा, लेकिन अगर वो LBC है तो वो जब पहले ही आप बॉल मिलोगे वो अंदर एकदम बाहर चला जाएगा। ठीक है, मतलब बॉल से जितना हो सके वो दूर चला जाएगा और एक्सपेक्ट करेगा कि आप लॉन्ग बॉल से आप उसको काउंटर करो। ठीक है, मतलब लॉन्ग बॉल लॉन्ग पास करो, क्योंकि लेकिन अगर QC है वो तो अंदर आएगा, वो बोलेगा यार तुम मुझे बॉल दो, मैं हल्के से वन टच करके मैं निकल जाऊंगा। यह है QC और LBC का एक प्रॉपर डिटेल। ठीक है, सो अगर आप LBC खेलते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग बॉल में प्रेफर करना होगा, लॉन्ग बॉल में छोटा सा पासिंग देके फिर लॉन्ग बॉल में आपके विंगर को भगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो ऐसे कोई सही फॉर्मेशन क्या है जो आपको लॉन्ग बॉल काउंटर में बेनिफिट देगा, वो है 4222 LMF RMF और एक है 4123 विंगर वाला फॉर्मेशन। ठीक है, ये दो फॉर्मेशन कभी भी LBC में धोखा नहीं देता। अगर आप ये फॉर्मेशन खेलते हो तो आप मेरे से एग्री जरूर करोगे, ये दो फॉर्मेशन ऐसा है जो आप कभी भी LBC लेके खेल सकते हो और इजीली आपको ओपोनेंट को डोमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अटैकिंग का पार्ट खत्म। सो आप बात कर लेते हैं पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफेंडिंग। देखो मेरे भाई, LBC में ना बहुत सारे प्लेयर का ये मिस्टेक करते हैं कि LBC में डिफेंस कॉम्पैक्ट है, डिफेंस बहुत ज़्यादा अंदर आता है। तो ये चीज़ बहुत सारे प्लेयर लोग गलत माइंड में ले लेते हैं और वो समझते हैं कि अगर वो LBC खेलेंगे तो वो गोल नहीं खाएंगे। नहीं भाई,
एलबीसी तब तक अच्छा है जब तक आप क्विक काउंटर नहीं खा सकते। अगर आप क्विक काउंटर खाते हो मतलब एकदम से ओपोनेंट ने अपने सीएफ को बॉल दे दिया फिर एकदम से काउंटर कर दिया, फिर आपका एलबीसी भी बचा नहीं सकता। एलबीसी तब काम करेगा जब आपका ओपोनेंट बीच में आके होल्ड करेगा और आपके डिफेंस को टाइम मिलेगा कि वो पीछे जाए, एकदम जीके के सामने जाए, तब आपका एलबीसी असल में काम करेगा। सो इस चीज़ को करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ऑन एनिमी के ओपोनेंट जो भी आपका ओपोनेंट है उसके सारे ऑप्शन को ब्लॉक कर दो, ओपोनेंट घबरा के खुद होल्ड कर देगा। जैसे ही वो होल्ड करेगा आपका सारा डिफेंस पीछे चला जाएगा, सो आपको एक एलबीसी का एडवांटेज जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो ओपोनेंट क्विकली अटैक कर देगा और आपका एलबीसी लाइक क्यूसी जैसा हो जाएगा कि ओपोनेंट इजीली निकल जाएगा और आपका डिफेंस पीछे रह जाएगा। तो बहुत टाइम आपको देखा होगा आप एलबीसी खेलते हो फिर भी आपका ओपोनेंट बहुत ही ईजी तरीके से खोल देता है, तो इसी तरीके से खोलता है क्योंकि यार वो बहुत जल्दी अटैक कर देता है, ठीक है। तो ये खौप में मत पहनना, सो ये चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि ओपोनेंट को आपको ओपोनेंट को आपको एकदम होल्ड करवाना है। कैसे होल्ड करवाना है उसके सारे ऑप्शन को मार्क करके तभी जाके आपके एलबीसी के डिफेंस को आपको काम मिलेगा, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर एकदम डिटेल में मैंने आज वीडियो बना दिया एलबीसी के ऊपर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको कमेंट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलता हूँ।